और कांग्रेस रणनीति कहेंगे या साजिश? चलिए मिश्रा जी से समझ लूंगा। नहीं नहीं, एक चीज देखिए, एक चीज सुनिए, ये प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स है। देखिए अभी लोग अगर पॉलिटिक्स का अगर नाम दे रहे हैं तो मैं समझता हूँ इससे बड़ी मूर्खता नहीं है। अगर कोई चीज हमने करी है तो लोगों की भावनाओं के लिए करी है। आगे सुनिए, आगे भावनाओं के लिए करी है, फल देना भावनाओं के लिए की है, भावनाओं को आज थोड़ा राजनीति का स्वरूप बदला है या फिर वही स्वरूप है और उसे बार बार बदलने की कोशिश और बार बार अपने पक्ष में लाने की कोशिश यहाँ बीजेपी की ओर से होती है। देखिए बेसिक प्रिंसिपल्स तो हमेशा सेम रहते हैं। मैंने आपको बताया अकबर ने भी अगर नाम चेंज किया था सोशियो पॉलिटिकल और रिलीजियस माइलेज लेने के लिए, उसके यही तीन गेन होते हैं ना। ये बीजेपी भी कर रही, यही मायावती जी ने भी किया, यही कांग्रेस ने, सारी पार्टियों ने किया। कांग्रेस ने के मिश्रा जी, देखिए आपसे ये पूरा इस समय का जो माहौल बन रहा है इस वक्त लोकसभा चुनाव के मद्देनजर, उसको किस तरीके से देखा जाए? क्योंकि नाम बदले जा रहे हैं एक तरफ, इसके अलावा राम मंदिर का मुद्दा जो जोर शोर से इस वक्त सियासत को गरमाने का काम कर रहा है वो मुद्दा भी है। इसके अलावा जो तमाम और मुद्दे होते हैं जिन पर चुनाव लड़ा जाता है, ये कहा जाता है कि सभी पार्टियां उस पर चुनाव लड़ रही, चाहे विकास हो, हाँ सही, आपका सड़क, बिजली, पानी। सवाल है, मैं आपको बताऊं जो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट है, पॉलिटिकल इकोसिस्टम इस वक्त इंडिया का है, उसके डायनामिक्स को जरा समझिए। और माइक्रो लेवल पे देखिए बीजेपी क्या है ना, बड़ी एडवांस लेवल की स्ट्रेटजी करती है जो दूसरी विपक्षी पार्टियां समझ नहीं पा रही है। इसमें नाम बदलने में तीन अलग अलग पार्ट है सर। पहला, नाम बदला जाना चाहिए, तो मैं बोलूंगा हाँ बदला जाना चाहिए क्योंकि हमारे पूर्वज हैं तो उनके नाम पे होना चाहिए। अकबर ने बदला तो देश के हिसाब से। दूसरा, अब देखिए किलिंग मेनी वर्ब्स विद वन स्टोन, यानी एक तीर से कई शिकार, बॉइलिंग द वाटर, आपने देखिए पानी तुरंत खोलने नहीं लगता है। बीजेपी अभी, अब योगी जी ने क्या बोला, ताजमहल का नाम बदल के राम महल कर दूंगा, एक सेंसेशन इसने छोड़ा है, मतलब योगी जी ने छोड़ा। अब धीरे धीरे ये बॉयल करेंगे पूरे माहौल को। उपयोगिता भी बताई उन्होंने, नाम की उपयोगिता भी बताई सर। देखिए कोई अपने बच्चों का नाम रावण और दुर्योधन नहीं रखता। यही तो बीजेपी की माइक्रो लेवल की स्ट्रेटजी है जो कि साइकोसोमेटिक स्ट्रेटजी, लोगों को मतलब उनके वैचारिक भावनाओं के साथ बांधना, ये बीजेपी की स्ट्रेटजी है। अब इन्होंने एक के बाद एक मुद्दे जो है छोड़े हुए हैं। और दूसरी चीज आप देखिए, बसपा ने भी नाम बदला, लेकिन पहले नाम कैसे बदले जाते थे, गजट हो गया, सरकारी बिल पास हो गया, खत्म, चर्चा ही नहीं होती थी, एक दिन अखबार में आ जाता था। बीजेपी नाम अभी बदलेगी नहीं, पहले उसका प्रोपोगंडा करके माहौल को गर्म करेगी। जब माहौल गर्म होगा तो कुछ क्लास ऑफ वोटर जो है डेफिनेटली उनके साथ जुड़ते हैं, वो जो सोए रहते हैं वो जागते हैं, एक्टिव होते हैं। कुछ दिन मुद्दा गर्म करने के बाद फिर देखेगी कि ये मुद्दा पॉजिटिव वे में जा रहा है तो वो नाम बदल देगी या उस मुद्दे को मेन इलेक्शन के मुद्दे में बदल देगी। तीन तलाक का भी यही हुआ, छह महीने पहले से बहस शुरू हुई, जब देखा कि पूरा जनता का दिमाग डाइवर्ट हो रहा है, ये मंशा है बीजेपी। देखिए वोट बैंक गेम, मतलब आपको अपना देखिए टास्क दो है, एक तो अपने वोट बैंक को स्थिर रखना, वो टूट के कहीं और ना जाए। जब डेवलपमेंट नहीं हुआ या हार्ड कोर डेवलपमेंट या मुद्दे पूरे नहीं हुए, बाधना तो है। और विपक्ष के जो वोट बैंक है, जो दूसरे लोग हैं, उनको गेन करना, अपने में शामिल करना, कैसे, ऐसे सेंसेशनल मुद्दे होते। देखिए आदमी या वोटर जो है सर, वो एक इंसान है और भावना प्रधान होता है। हम सब लोगों के अंदर डिफरेंट तरीके के साइकोलॉजिकल जो है भावनाएं बड़ी प्रधान होती है। दूसरी पार्टियां भी तो इसका इस्तेमाल करती हैं, दूसरी पार्टियां भी तो इस्तेमाल करती हैं। देखिए सवाल यहां पर बीजेपी पर इसलिए उठ रहा है कि वो शेर याद आ रहा है कि हम आ भी लेते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, उसी तरीके से या जानबूझ कर बदनाम हो रहा है या बीजेपी की तो ये माइक्रो लेवल की एक्सपर्टाइज है कि वो अच्छे तरीके से यूज करती है। देखिए आंसर शीट में आंसर लिखना, आप कुछ भी लिख दो पास नहीं हो जाओगे, बीजेपी उसी आंसर को आंसर शीट में बहुत अच्छे तरीके से स्ट्रेटजिक वे में रखती है। बीजेपी से ही समझ लेते हैं कि ये अब राजनीतिक रणनीति है आपकी या किसी साजिश के तहत, जैसा कि कांग्रेस के शब्दों में आकर कहा। इस बैठक में इलाहाबाद का नाम प्रयागराज और फैजाबाद का नाम अयोध्या करने के प्रस्ताव को औपचारिक मंजूरी दे दी गई। और एके मिश्रा राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़े हैं, सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। नामकरण पर राजनीति हो रही, इस राजनीति की शुरुआत क्या वाकई बीजेपी ने की? ठीक है, ऐसा लगता है तो जी देखिए एक छोटी टिप्पणी दो लाइन की टिप्पणी कि क्या इस पूरे मसले को राजनीति के चश्मे से देखना मुनासिब है? ठीक है, नहीं देखिए मेन अगर देखा जाए, मैं प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स की बात करूं तो इसमें राजनीतिक स्वार्थ या राजनीतिक जो इनके टारगेट है वो निहित है डेफिनेटली, क्योंकि इलेक्शन सर पे है। लेकिन एक जो आपका पहला क्वेश्चन था उसका मैं जवाब दे दूं कि क्या इसकी शुरुआत बीजेपी ने की है, तो मैं बोलूंगा नहीं। अकबर ने प्रयागराज का नाम इलाहाबाद कर दिया, मोटिव क्या था? उसी जमाने से सपा बसपा कांग्रेस सब ने बहुत सारे नाम चेंज किए, सेम मोटिव जो अकबर के टाइम पे था, यानी सोशियो पॉलिटिकल कुछ गेन करना था अकबर को,
आज भी मोटिव वही है, आज भी मोटिव वो बीएसपी ने भी उसी मोटिव के कारण शहरों के नाम जो है चेंज किए। तो ये नहीं बोलना चाहिए कि भाजपा ने ये शुरू किया है, 4-6 हजार साल पहले से ये चीज हो रही है। भाजपा एक कड़ी है और एडवांस लेवल पे कर रही है अपने वोट बैंक को साधने के लिए। इसमें ये भी हो सकता है कि अपनी विफलता यानी उतने टास्क इनके कंप्लीट शायद नहीं हुए जो इन्होंने प्रॉमिस किया जो, था जो जिक्र यहाँ पर कांग्रेस और एसपी दोनों ही पार्टियां कर रही हैं। हाँ, ये एक डैमेज कंट्रोल का भी बहुत इफेक्टिव मैनेज है। दूसरा होता है वोटर्स एंगेजमेंट। देखिए आप किस तरीके के डैमेज कंट्रोल, देखिए डैमेज ये है क्योंकि 1.5 साल हुआ अगर उत्तर प्रदेश सरकार की बात, लोकसभा चुनाव नजदीक 2019 का इलेक्शन है और सारा रास्ता यूपी से होके जाएगा। ठीक है, 5 साल में गवर्नमेंट ने जो कमिटमेंट किया था, मोदी गवर्नमेंट ने जो कमिटमेंट किया था, देखिए चुनावों में इनका जो घोषणा पत्र होता है कमिटमेंट बहुत ज्यादा हो गए। कुछ एक एग्जांपल की 15 लाख रुपए दे देंगे, विश्व गुरु बना देंगे, ठीक है। परफॉर्म इन्होंने किया है, कोई भी गवर्नमेंट 100% परफॉर्म नहीं कर पाती है। नेचुरल वियर एंड टियर की थ्योरी होती है, कमी रह जाती है। उसके कारण क्या होता है, आपका नेचुरल अट्रैक्शन भी खोना शुरू होता है। 5 साल में 2-3 साल तक आपने वोटर्स को एंगेज करके रखा, ब्रांडिंग करके डिफरेंट मुद्दे उछाल के, अब क्या करें, अब वोटर को एंगेज रखना है। कुछ ना कुछ ऐसी फीलिंग एक्टिविटी करनी है। आप ही की बातों से सवाल निकालता हूं यहां पर प्रदीप भटनागर जी, कि जनता को एंगेज करने के लिए कोई ना कोई एक ऐसा मुद्दा चाहिए जो विकास की राह पर न निकले, जो बिजली पानी या फिर रोटी कपड़ा मकान इन सब की बात ना करे। यहाँ पर मुद्दा होना चाहिए राम मंदिर का नाम बदलने का, इसकी टाइमिंग को लेकर यहाँ पर सवाल उठ रहा है प्रदीप जी। ये अगर हमने इलाहाबाद का नाम अगर चेंज करिए प्रयागराज कहा, तो हमने ये थोड़ा ना कहा विपक्ष से कि आप एडवर्टाइजमेंट करो, विरोध करो, या मीडिया से कि आप इसका क्या नाम एडवर्टाइजमेंट करो। अगर नाम बदल दे तो एडवर्टाइजमेंट, अगर आप नहीं करते तो नेचुरल बात है नाम तो बदल गया था। अब जो भी विपक्ष हो अगर चीजें इतने मजे हुए खिलाड़ी तो आप लोग हैं। नहीं नहीं सर, मैं कहता इतने मजे हुए खिलाड़ी तो हैं कि उत्तर प्रदेश में अगर नाम बदला जाएगा किसी शहर का किसी जिले का तो वो खबर तो बनेगा ना, वो खबर तो बनेगा, ये तो आपको पता है। जिसकी नगरी थी, रुके मिश्रा जी, देखिए अगर प्रभु राम की नगरी थी और उसका नाम अगर अयोध्या करा है तो सोच समझ के करा है। अगर मुगलों ने क्या सोचा, यही तो मैं पूछ रहा हूँ, क्या सोचा। जो एक वर्तमान उनका जो नाम मिलना चाहिए था अयोध्या का, नाम चेंज हो गया फैजाबाद से, उसको जो किया गया है मुझे हाँ। समझता कोई बुराई नहीं है। अगर मुगल शासन में अगर उन्होंने अपनी चलाई और इस काम को किया, तो आज अगर योगी जी ने काम में कोई बुरा नहीं किया है, ना मैं इसको बुरा कहूंगा। मत करिए आप एडवर्टाइजमेंट। अच्छा, मुगल शासन में जो हुआ वो योगी शासन में होना भाई समझे नहीं। अगर सपा में हिम्मत होती करती ना, मुगल शासन में जो हुआ वो गलत हुआ, अब योगी शासन में जो हो रहा वो सही हो रहा है। बिल्कुल सही बात है, जो पूर्ण नाम था वो मिला, ठीक है। इससे कितना इत्तेफाक रखते हैं हरीश चौधरी जी, कितना इत्तेफाक रखते हैं? ये सब गलत बात है मित्र जी, अभितोष जी। हाँ, अगर नाम बदलने से ही विकास होता हो अयोध्या का या इलाहाबाद का या तमाम और शहरों का, बेरोजगारी खत्म होती हो, जमीन के मुद्दे खत्म होते हो, दुनिया भर का जो भ्रष्टाचार है ये खत्म होता हो, सड़कें ठीक होती हो, बिजली पानी की व्यवस्था अच्छी होती हो, मुद्दे तो खत्म हो गए। देखिए एक बात तो सही होगी, मुद्दे तो खत्म हो गए जी, लोगों का ध्यान भटक गया ना सारे मुद्दों से। बाकी के सारे आपने मुद्दे जो बताए वो एक तरफ है, लेकिन मुद्दा अभी तो जनता मूर्ख नहीं है। ये बीजेपी वाले समझ रहे हैं कि जनता मूर्ख है, जनता मूर्ख नहीं है। मेरा पेट तब भरेगा जब मुझे रोजगार मिलेगा। ये नाम बदलने से मंदिर मस्जिद आस्था के मुद्दे, अच्छी बात है अयोध्या मंदिर बनना चाहिए, हम भी कह रहे हैं, लेकिन अब ये नाम बदलने का सिलसिला, मंदिर तो बनाएंगे नहीं, मंदिर बनाइए, बनाना है आपने घोषणा कर रखी है, कौन रोक रहा है? ठीक है, लेकिन बाकी तमाम चीजों से ध्यान भटकाएंगे। लेकिन आलोचना करते करते थोड़े से विवादित बोल भी आए आपको, मैंने सुनाया कि अबू आजमी साहब किस तरीके से बोल रहे थे, किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए वो टिप्पणी कर रहे थे, वो उनको याद रखना चाहिए थे कि नहीं, ये बताइए। ये पार्टी लाइन है अबू आजमी साहब ने जो बोला, अबू आजमी साहब को भी मेरा कहना है कि उन्हें भी मर्यादा में रहकर भाषण देना चाहिए, कोई भी हो, कोई भी पार्टी हो, कोई भी नेता हो, ऐसे शब्द ना चूज करें। जनता देख रही है, देखिए सब कुछ जनता देख रही है, अगर बीजेपी जो कर रही वो भी जनता देख रही है, एसपी की ओर से जो बयान आ रहा है वो भी जनता देख रही है। नहीं, किसी भी नेता को ऐसा बयान नहीं देना चाहिए जिससे किसी की मर्यादा खराब होती हो या जिससे उसका खुद का स्तर खराब होता हो। ये सभी पार्टियों के लिए एक मर्यादा होनी चाहिए, जो कि आज देश में बहुत खत्म कर दी, सभी पार्टियों ने कर दी है। बीजेपी का तमाम नेता ऐसे बयान देते सुबह शाम तक, कोई पूछने वाला नहीं है, सत्ता में इनकी ज्यादा जिम्मेदारी बनती है। ठीक है, शान मोहम्मद जी, यहाँ पर जिस तरीके से एक नई तरीके की राजनीति की परिभाषा गढ़ी जा रही है बीजेपी की ओर से, कि टाइमिंग को लेकर यहां पर देखिए सवाल उठ रहे हैं, मीडिया भी ये सवाल उठा रहा है कि इस समय ही क्यों, पहले या फिर लोकसभा चुनाव के बाद, टाइमिंग को लेकर। देखिए बीजेपी की सोची समझिए साजिश है, अब चुनाव नजदीक है और कांग्रेस रणनीति कहेंगे या साजिश, चलिए मैं शाजी से समझ लूंगा। नहीं, एक चीज देखिए, एक चीज सुनिए मेरी, कांग्रेस पार्टी एक तो हिंदू मुस्लिम का दिखावा नहीं करती, पहली चीज।
ये लोग जो दिखाना चाहते हैं कि हम हिंदुओं के हमदर्द हैं, तो इनको उत्तर प्रदेश के किसानों के बारे में सोचना चाहिए, नौजवानों के रोजगार के बारे में सोचना चाहिए। ये जो जिले के नाम बदल के ये भावनाओं के साथ खेल खेला जा रहा है, ये मैं समझता हूँ गलत बात है। हजारों करोड़ रुपए जो इन्वेस्ट किया है, ये समय हिंदुस्तान का और उत्तर प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था है वो इतनी मजबूत नहीं है जो जिलों के नाम बदलने वो पैसा खर्च किया जाए। नौजवानों के रोजगार में यदि कांग्रेस पार्टी की समझें आप, तो कांग्रेस पार्टी रोजगार पे, किसानों पे और आम आदमी का ख्याल रखती है। बाद में धार्मिक होना एक अलग चीज है, आप अपने धर्म की रक्षा। लेकिन किसानों का फायदा कहाँ हुआ सर? सरकार तो आपकी भी थी, 90,000 72,000 चौधरी देखिए 72,000 करोड़ रुपए का किसानों का कर्जा राहुल गांधी डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार ने माफ किया। महात्मा गांधी मनरेगा राष्ट्रीय रोजगार गारंटी के किसान को गांव में उसके काम दिया, किसान का कर्जा माफ भी हुआ, उसको रोजगार भी मिला, किसान को गांव में रोजगार मिला। कांग्रेस पार्टी भावनात्मक हमला नहीं करते किसी पे कि हम धर्म की रक्षा या धर्म के हम वो ठेकेदार हैं। धर्म का ठेकेदार कोई नहीं हो सकता। तो राजीव जी ने 86 में राम मंदिर का वो खुलवा दिया फिर ताला, सियासत को गरमाने काम कर रहा है वो मुद्दा भी है। इसके अलावा जो तमाम और मुद्दे होते हैं जिन पर चुनाव लड़ा जाता है, ये कहा जाता है कि सभी पार्टियां उस पर चुनाव लड़ रही, चाहे विकास हो, सड़क, बिजली, पानी। मैं आपको बताऊं, जो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट है, पॉलिटिकल इकोसिस्टम इस वक्त इंडिया का है, उसके डायनामिक्स को जरा समझिए। और माइक्रो लेवल पे देखिए, बीजेपी क्या है ना, बड़ी एडवांस लेवल की स्ट्रेटजी करती है जो दूसरी विपक्षी पार्टियां समझ नहीं पा रही हैं। इसमें नाम बदलने में तीन अलग अलग पार्ट है सर। पहला, नाम बदला जाना चाहिए, तो मैं बोलूंगा हाँ बदला जाना चाहिए, क्योंकि हमारे पूर्वज हैं तो उनके नाम पे होना चाहिए। अकबर ने बदला तो अब देश के हिसाब से। दूसरा, अब देखिए, किलिंग मेनी बर्ड्स विद वन स्टोन, यानी एक तीर से कई शिकार। एक बॉइलिंग द वाटर, आपने देखिए पानी तुरंत खोलने नहीं लगता है। बीजेपी अभी योगी जी ने क्या बोला, ताजमहल का नाम बदल के राम महल कर दूंगा। एक सेंसेशन इसने छोड़ा है, मतलब योगी जी ने छोड़ा। अब धीरे धीरे ये बॉयल करेंगे पूरे महल को। उपयोगिता भी बताई उन्होंने, नाम की उपयोगिता भी बताई सर। देखिए, कोई अपने बच्चों का नाम रावण और दुर्योधन नहीं रखता। यही तो बीजेपी की माइक्रो लेवल की स्ट्रेटजी है, जो कि साइकोसोमेटिक स्ट्रेटजी, लोगों को मतलब उनके वैचारिक भावनाओं के साथ बांधना, ये बीजेपी की स्ट्रेटजी है। अब इन्होंने एक के बाद एक मुद्दे जो है छोड़े हुए हैं। और दूसरी चीज आप देखिए, बसपा ने भी नाम बदला, लेकिन पहले नाम कैसे बदले जाते थे? गजट हो गया, सरकारी बिल पास हो गया, खत्म, चर्चा ही नहीं होती थी, एक दिन अखबार में आ जाता था। बीजेपी नाम अभी बदलेगी नहीं, पहले उसका प्रोपोगंडा करके माहौल को गर्म करेगी। जब माहौल गर्म होगा तो कुछ क्लास ऑफ वोटर जो है डेफिनेटली उनके साथ जुड़ते हैं, वो जो सोए रहते हैं वो जागते हैं, एक्टिव होते हैं। कुछ दिन मुद्दा गर्म करने के बाद फिर देखेगी कि ये मुद्दा पॉजिटिव वे में जा रहा है, तो वो नाम बदल देगी या उस मुद्दे को मेन इलेक्शन के मुद्दे में बदल देगी। तीन तलाक का भी यही हुआ, 6 महीने पहले से बहस शुरू हुई, जब देखा कि पूरा जनता का दिमाग डाइवर्ट हो रहा है, ये मंशा है बीजेपी। देखिए, वोट बैंक गेन, मतलब आपको अपना देखिए टास्क दो है, एक तो अपने वोट बैंक को स्थिर रखना, वो टूट के कहीं और ना जाए। जब डेवलपमेंट नहीं हुआ या हार्ड कोर डेवलपमेंट या मुद्दे पूरे नहीं हुए, बाधना तो है। और विपक्ष के जो वोट बैंक है, जो दूसरे लोग हैं, उनको गेन करना, अपने में शामिल करना, कैसे? ऐसे सेंसेशनल मुद्दे होते। देखिए, आदमी या वोटर जो है सर, वो एक इंसान है और भावना प्रधान होता है। हम सब लोगों के अंदर डिफरेंट तरीके के साइकोलॉजिकल जो है भावनाएं बड़ी प्रधान होती है। दूसरी पार्टियां भी तो इसका इस्तेमाल करती हैं, दूसरी पार्टियां भी तो इस्तेमाल करती हैं। सवाल यहां पर बीजेपी पर इसलिए उठ रहा है कि वो शेर याद आ रहा है कि हम वहां भी लेते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, उसी तरीके से या जानबूझ कर बदनाम हो रहा है। बीजेपी की तो ये माइक्रो लेवल की एक्सपर्टाइज है कि वो अच्छे तरीके से यूज करती है। देखिए, आंसर शीट में आंसर लिखना, आप कुछ भी लिख दो पास नहीं हो जाओगे। बीजेपी उसी आंसर को आंसर शीट में बहुत अच्छे तरीके से स्ट्रेटजिक वे में से ही समझ लेते हैं। बीजेपी से ही समझ लेते हैं कि ये अब राजनीतिक रणनीति है आपकी या किसी साजिश के तहत, जैसा कि कांग्रेस के शब्दों में अगर कहता हूं, ये प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स है। देखिए, अभी लोग अगर पॉलिटिक्स का अगर नाम दे रहे हैं तो मैं समझता हूँ इससे बड़ी मूर्खता नहीं है। अगर कोई चीज हमने करी है तो लोगों की भावनाओं के लिए करी है। आगे सुनिए, आगे भावनाओं के लिए करी है, भावनाओं को उछालने के लिए
वोट पाएगा इकट्ठा नहीं तो फिर अपने शब्द वापस लीजिए, अपने शब्द वापस लीजिए, प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स मैं तो अपने शब्द वापस लीजिए भावनाओं के लिए, भावनाओं के लिए वोट इकट्ठा करने के लिए। देखो ये जो असली नाम था ठीक है प्रयागराज, अगर वो जनताओं के जुड़ा हुआ है तो उसका नाम चेंज किया गया है उसका, नहीं तो इससे पहले भी तो बीजेपी के साथ था। हमें उस पे ऑब्जेक्शन नहीं है। अगर अगर अयोध्या आज के डेट में हम पर ऑब्जेक्शन हो रही है, अगर बेनिफिट क्यों ले रहे हैं ऐसा बात का नाम हो गया, अगर जो सियासत हो रही है, अगर अयोध्या ऑब्जेक्शन इसी में है, भावनाएं भड़काई जा रही है, अयोध्या का नाम अगर अयोध्या होने जा रहा है फैजाबाद हटाकर, अगर कहीं वो टूरिस्ट हब बनने वाला है तो वहाँ कितने जिलों को बेनिफिट होगा, कितना रोजगार आएगा, होटल बनेंगे, क्या क्या होंगे, उससे ये गर्व की बात है मानते हैं। आज से पहले भी तो बीजेपी की सरकार थी, जब ये नाम क्यों नहीं, आज से पहले मैं अपना नाम हरीश चौधरी से बदल कर सीताराम रख लूं तो क्या विकास हो जाएगा मेरा भाई? विकास तो ये तो आप देखो ना, या क्या रामराज आ जाएगा इससे गजबाए? नहीं तो विपक्षी पार्टियों के चश्मे से हम देख तो रहे हैं, विपक्षी पार्टियों के चश्मे से तो हम देख तो रहे हैं। शान मोहम्मद आप लोगों ने बताइए कि छोटा सा शान मोहम्मद क्या वाकई रोजगार बढ़ेगा? क्या वाकई रोजगार बढ़ेगा? बीजेपी का तर्क कितना सही है? क्या वाकई रोजगार बढ़ेगा? जिले बदलने से पहले 20-25-30 हजार करोड़ रुपए हर जिले में खर्च किए जा रहे हैं, हजारों करोड़ जा रहे हैं, रोजगार बढ़ा कहां, कमजोर हो गया? और ठीक है हरीश चौधरी जी, हरीश चौधरी जी, क्या वाकई रोजगार बढ़ेगा नाम बदलने से? रोजगार अगर नाम बदलने से बढ़ जाए तो मैं ना कहता हूं कि सारे यूपी के 80 जिलों के नाम बदलने चाहिए ना, क्या दिक्कत है? अगर इससे मेरे प्रदेश में खुशहाली आती है नाम बदलने से तो मैं सबसे बड़ा समर्थक हूं। देखिए नाम बदलने की एक सलाह और आ रही है, नाम बदलने की एक सलाह और आ रही है। अमित शाह के नाम के आगे शाह शब्द को लेकर भी कहा जा रहा है कि उनका वो नाम बदला जाए, उस पर भी आपत्ति लोग दर्ज कर रहे हैं, क्या उनका नाम भी बदला जाएगा? किसका? अमित शाह, उसपे जो शाह शब्द है उसके पीछे भी शाहरा फारसी शब्द है, शाह साहब को बदलना तो चाहिए। अगर वो बदलने की बात, इतनी बड़ी नफरत है इन शब्दों से फारसी उर्दू के ना, ये तो तमाम मुगलों के, तो उन्हें बदल लेना चाहिए अमित शाह जी। एके मिश्रा जी, एके मिश्रा जी, देखिए एक विश्लेषण आपसे चाहेंगे एकदम सटीक कि वाकई क्या रोजगार बढ़ेगा जैसा कि ये नाम बदलने में जस्टिफाई कर रहे हैं आप। अभितोषी देखिए मैं बताऊं, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन अपने आप में एक बहुत कॉम्प्लेक्स इकोनॉमिक प्रोसेस है और लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। अगर इतना आसान ही होता तो 70 साल से सरकारें काम कर रही है, आज भी इंप्लॉयमेंट जनरेशन नहीं हुआ। आज भी सबसे पहला काम होता नाम बदल देते हैं। सुनिए मैं आपको बताता हूँ, नाम बदलने का जो इनको माइलेज मिलेगा वो ये होता है कि नाम से आइडेंटिटी होती है, उस ऐतिहासिक जगह का पता चलता है, लोगों के दिमाग में एक परसेप्शन बनता है, हल्का फुल्का टूरिज्म डेफिनेटली बढ़ सकता है, हल्का फुल्का ना, हल्का फुल्का। ओवरऑल इकोनॉमी की बात आप करेंगे तो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नाम बदलने से इकोनॉमी आपकी सुपर इकोनॉमी में कन्वर्ट नहीं हो जाएगी, उसके लिए तो आपको ग्राउंड लेवल पे काम करना पड़ेगा ना। अगर टूरिज्म बढ़ाना है तो सड़क आपको बनाना पड़ेगा, सारी चीजें, इलेक्ट्रिसिटी, कारखाने, मिल, ये सारे लगाने हैं ना, तो रोजगार को डेवलप करना, उद्योग को डेवलप, 70 साल से सारी सरकारें हैं और नाम बदलने की जो कवायद शुरू हुई, प्रदीप भटनागर जी, नाम बदलने की जो कवायद शुरू हुई, क्या ये तैयारियां देखी गई थी जिसका जिक्र एके मिश्रा साहब यहां पर कर रहे हैं? जरूर है, ठीक है, आपके चश्मे से देखूंगा तो फिर आप सिर्फ बीजेपी की बात करेंगे। एके मिश्रा जी, आज थोड़ा राजनीति का स्वरूप बदला है या फिर वही स्वरूप है और उसे बार बार बदलने की कोशिश और बार बार अपने पक्ष में लाने की कोशिश यहां बीजेपी की ओर से होती है? देखिए बेसिक प्रिंसिपल्स तो हमेशा सेम रहते हैं, मैंने आपको बताया अकबर ने भी अगर नाम चेंज किया था सोशियो पॉलिटिकल और रिलीजियस माइलेज लेने के लिए, उसके यही तीन गेन होते हैं ना। ये बीजेपी भी कर रही, यही मायावती जी ने भी किया, यही कांग्रेस ने, सारी पार्टियों ने किया। कांग्रेस ने किस चीज का नाम बदला? मैं उसको बताऊंगा, ये मुद्दे से बाहर की बात है, मैं गिना दूंगा। रही बात जो विकास की बात हम लोग कर रहे हैं, देखिए बीजेपी बहुत एडवांस लेवल पे इन कंपैरिजन ऑफ अदर पार्टी बड़ी सधे हुए तरीके से ये काम करती है। नाम बदलने का मतलब क्या है, एक टर्म होता नहीं, है लेकिन नाम बदलने में आपको सिर्फ तारीफ दिख रही है बीजेपी की, आप राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर यहाँ पर बैठे हैं। मैं तो बता रहा हूँ ना कि नाम बदलने से विकास या वो भी जब इलेक्शन है क्या विकास होगा? विकास दिखेगा? 6 महीने रोजगार मिलेगा? रोजगार मिलेगा में क्या विकास? नहीं, कोई रोजगार पे, देखिए एक सिंपल फ्रैक्शन में तो असर डेफिनेटली पड़ता है, एक साइकोलॉजिकल इंपैक्ट डालने पे, लेकिन वो हार्डकोर आपका डेवलपमेंट में वो उतना जबरदस्त कन्वर्ट नहीं हो पाता है, क्योंकि डेवलपमेंट के लिए बहुत सारे और फैक्टर हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है जिसमें यूपी बहुत पीछे है, तो विकास के नाम पे 1% फर्क पड़ गया विकास पे तो कौन सा बहुत बड़ा फर्क पड़ गया? आधे परसेंट फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, 1% भी नहीं पड़ेगा। हरीश चौधरी जी, हरीश चौधरी जी, देखिए नाम बदलने से परसेप्चुअल फर्क पड़ेगा पब्लिक पे,
जो है कि हाँ भाई नाम बदल गया हमें सेटिस्फेक्शन होगा, मतलब सब कुछ हो रहा है जनता के लिए, लेकिन जनता के दिल और दिमाग पे पहुंचने के लिए मानसिक संतोष होगा, पब्लिक को एक गर्व की अनुभूति होगी, ये भी एक सेटिस्फेक्शन होता है। हाँ। लेकिन इसका बहुत बड़ा माइलेज या बेनिफिट मिलता है वोट को कन्वर्ट करने में, जो कि 6 महीने बाद इलेक्शन है। वो तो प्रधानमंत्री भी जब पहुंचते किसी मंच पर, तो जैसे वाराणसी में पहुंचे थे, उन्होंने कहा कि ये उत्साह बचा के रखिएगा, 2019 चुनाव नजदीक है। चौधरी साहब कुछ कहना चाहते हैं? ठीक है, ठीक है, मिश्रा जी आ रहा हूँ, हरीश चौधरी जी कुछ कहना चाह रहे हैं जी। अभितोष जी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ। इन्होंने क्या समझ रखा है, इन्होंने हिंदू लोग, जिनकी हिंदुओं की भावना जुड़ी हुई है देवी देवताओं से, सबसे इन्होंने को मूर्ख समझ रखा है कि इन्हें कोई भी लॉलीपॉप हम दे देंगे और ये आवाम बहकावे में आ जाएंगे ये लोग। ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, जनता समझ चुकी है। 21वीं सेंचुरी है, हम कब तक इस देश को इन चीजों पर लगाए रखेंगे? कभी नाम बहन मायावती जी बदलेंगी, कभी कांग्रेस बदल जाएगी, कभी हम बदल देंगे। कांग्रेस किसी का, हम अपने लिए भी कह रहे हैं, आप सुन तो जवाब जी जी, हम इन चीजों से ऊपर उठना चाह रहे हैं। आप लोग गठबंधन कर, कभी बीजेपी बदल देगी, पब्लिक का मूर्ख बनाए जाएंगे। चौधरी साहब आपके पास है तो मैं तो अप्रिशिएट करता हूं, हम नहीं चाहते। अब तो समाजवादी पार्टी, अब तो समाजवादी पार्टी क्या देवी देवताओं के साथ, मंदिरों के साथ, हम लोग दिखाने के लिए नहीं, नहीं तो हिंदू रहते हैं, नहीं 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 दिखाने के लिए ऐसा हो रहा है। नहीं जी, इससे पहले याद नहीं आई, नहीं उन्होंने एक मिनट देखिए, हम भगवान राम का राजनीति के लिए यूज नहीं करते, उनकी आस्था, उनकी आस्था राहुल गांधी जी की आस्था तमाम देवी देवताओं के साथ है, तमाम शिव शंकर महाराज ये सब हमारे आराध्य हैं, सब हिंदुओं के देव हैं, ये आपका कॉपीराइट नहीं है, सभी के हैं, ऐसा मत करिए। और हमारी सोच देखिए, साथ दीजिए ना बीजेपी का, प्रेशर बनाइए बीजेपी के ऊपर, कभी नहीं देंगे, नहीं बनेगा, बनेगा बिल्कुल, प्रेशर बनाइए पार्टी के ऊपर, बनेगा बनाइए, इनका कौन है? नहीं तो राम मंदिर, राम मंदिर के मुद्दे पर तो एसपी कह ही रही है कि मंदिर जो बनेगा वो सारे लोग मिलकर बिल लाइए ना, लाइए यहां बैठ के डिबेट कर रहे हैं, हम सारे लोग इंतजार कर रहे हैं ना, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का इन्होंने बंदर बना दिया, मुद्दे से भटक रहे हैं, प्रदीप भटनागर, शान मोहम्मद, हरीश चौधरी मुद्दे से भटक रहे हैं, एके मिश्रा जी, एके मिश्रा जी बहुत कम शब्दों में, नहीं हरीश चौधरी आप मुद्दे से भटका रहे हैं, एके मिश्रा जी, एके मिश्रा जी देखिए नाम यहां पर बदले गए और सभी पार्टियां कह रही कि नाम बदलने को लेकर सियासत हो रही है, और जानबूझकर बीजेपी ये कह रही है, बार बार कह रही है कि सियासत नहीं होगी विकास होगा, लेकिन हिंदू मुस्लिम की अगर बात यहाँ शान मोहम्मद कर रहे हैं तो इसके पीछे कुछ तो लॉजिक है, क्या अयोध्या, अयोध्या नाम हो जाता है, अयोध्या नाम हो जाता है, वहाँ कारोबारी दूसरे धर्म के पहुंचेंगे, वो कहेंगे अरे ये तो पूरा हिंदू क्षेत्र हो गया। देखिए बीजेपी का तो ये घोषित एजेंडा रहा है हिंदुत्व का, अघोषित रहा है, अघोषित रहा है, लेकिन ये अपने क्रियाकलापों से ये दिखाते रहते हैं कि हमारा झुकाव ये है, और सारा पोलराइजेशन ही ये हिंदू वोट बैंक का करते हैं। हाँ। तो मेरे ख्याल से और बीजेपी का ये मानना है, मैंने आपको बोला कि भाई हम इलेक्शन लड़ रहे हैं तो जीतने के लिए लड़ रहे हैं, ठीक है, दूसरी पार्टियां नहीं सोचती है तो ना सोचे, बीजेपी की बड़ी खास बात है जो प्रशंसा करनी चाहिए, ये हर दिन काम करते हैं सर, आज नाम के मुद्दे को इतना बड़ा जो है बवाल बनाना बीजेपी के लिए क्या इंपॉर्टेंस है? ठीक है, वो इसलिए कि अभी हम काम करेंगे तो इसका रिजल्ट आएगा इलेक्शन में, बिल्कुल, इसके पीछे कोई ना कोई तर्क और रणनीति यहां पर बीजेपी की साफ तौर पर दिख रही है, दूसरी पार्टियां घेरने की पूरी कोशिश में जुटी हुई है, लेकिन नामकरण पर सियासत तो हो ही रही, भले वो बीजेपी करें